कैसे अपनी वीडियोस शूट कर सकते हैं आपको क्या क्या इक्विपमेंट ज़रूरी हैं ज़रूरी हैं भी या नहीं हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स इन टू द वीडियो सो सबसे पहले आते हैं हम वीडियो पे एंड वीडियो शूट करने के लिए आपको कैमरा चाहिए या नहीं चाहिए उसका जवाब आप लोगों को ऑलरेडी पता है मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ अपने फ़ोन से स्मार्टफोन कोई भी आपके पास स्मार्टफोन हो अभी इस वक्त मैं अपने फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ एंड आई हैव रेडमी नोट सेवन एस आपके पास कोई भी फोन हो जिसमें अच्छी वीडियो क्वालिटी हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं एंड अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा कभी कभी मैं दोनों में ही स्विच करती रहती हूँ जब भी मैं अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ तब मैं अपना फ्रंट कैमरा यूज़ करती हूँ बिकॉज उसमें ऑटो फोकस है और जब भी मैं अपने फ्रंट कैमरा से बनाती हूँ तब मैं थोड़ी यू नो सिट डाउन चिल वाली वीडियो बनाती हूँ जिसमें मुझे कोई भी सामान ऐसे नहीं दिखाना होता तो अगर मैं कुछ भी ऐसे पकड़ के दिखाऊंगी सॉरी ऐसे पकड़ के दिखाऊंगी तो ये ऑटो फोकस बहुत कम होता है कि ऑटो फोकस मतलब अपने आप हो जाए बट बार बार मुझे टैप करना पड़ता है फ्रंट कैमरा से तो वो थोड़ी सी दिक्कत आती है इसलिए मैं कभी कभी अपना बैक कैमरा यूज़ करती हूँ तो अगर आप भी अभी यूट्यूब जस्ट आपने स्टार्ट ही कराया ना अभी आप उसे प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं अपना फ़ोन लेकिन अगर आपको पक्का पता है कि हाँ भाई मेरा तो यूट्यूब ही करता धरता है मुझे तो सारे अपना पैसा भी यूट्यूब से ही चाहिए तो आई वुड रिकमेंड कि आप तब अपना कैमरा ले सकते हो बट अभी के लिए तो मैं अपना फ़ोन ही यूज़ करती हूँ एंड जो पीछे आप देख रहे हो बैकड्रॉप लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था जो कि एक था एमेज़ॉन और नाइका हॉल उसमें मैंने ये दो बैकड्रॉप दिखाए थे एक पिंक कलर का एंड एक येलो कलर का तो मैं उसे टेप की मदद से लगा देती हूँ इस तरह से तो बस ये टेप से मैं पूरा ऊपर से लगा देती हूँ एंड बन गया हमारा सस्ता जुगाड़ बैकड्रॉप का तो सॉलिड कलर की बेडशीट बहुत ही अच्छी रहती है बिकॉज आपका आउटफिट आपका मेकअप जो भी आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो उस पर बहुत ही ज्यादा उभर के आता है एंड कभी कभी मैं इसके जो पीछे वाली वॉल थी मैं उस पर शूट करती थी जब मेरे पास बैकड्रॉप नहीं थे विच इज लाइक टू वीडियोज पहले तो मैं दिखाती हूँ कि मैं पहले कैसे शूट करती थी तो बहुत बार ये वाली आपने बैग ग्राउंड देखा होगा तो ये वाली वॉल मैंने खुद से पेंट करी थी और मैं बस लाइट जला देती हूँ सो so, ये भी काफ़ी बढ़िया आता था लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे ना पूरी एक इतनी बड़ी सी विंडो है तो इससे ना एक ही साइड में लाइट आती थी और लाइट बहुत ज़्यादा फट जाती थी मेरे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे इतना कोई सोर्स नहीं था जहाँ से लाइट आ पाए तो इस वजह से मैंने फिर रिंग लाइट ली आप सबको पता ही है कि अब मैं कहाँ शूट करती हूँ सो या तो अगर आप बैकड्रॉप नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप किसी सॉलिड वॉल के आगे भी अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं नेक्स्ट बारी आती है ट्राईपॉड की तो अभी तो मैंने अपने रिंग लाइट में अपना फ़ोन सेटअप कर रखा है जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी बट मेरा जो फर्स्ट ट्राईपॉड था वो था ये वाला ट्राईपॉड ना ये बहुत ही बेसिक सा ट्राईपॉड है बट अभी ये थोड़ा टूट चुका है तो ये वाला ट्राईपॉड ऑलमोस्ट दो साल चल गया था जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट ही करा था दो साल पहले तब मैंने ये ट्राईपोर्ट लिया था और तब मेरे को ये पड़ा था कुछ 300-400 रुपए का विच वॉज अ स्टील लाइक ये दो साल अगर मैं इसे यूज करती प्रॉपर तरीके से तो मुझे पता है कि ये दो साल भी आराम से चल जाता लेकिन ये रखा रहा और रख रख के ये खराब हो गया बट नाउ द ट्राईपोर्ट आई एम यूजिंग इज दिस वन इट्स सुपर डुपर स्टर्डी इतना ज़्यादा तगड़ा मैं बोलूंगी ये है फ्रॉम एमेजोन बेसिक्स एंड ये मुझे कुछ 700-800 रुपए का पड़ा था एंड इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है इतना ज़्यादा हैवी ड्यूटी ट्राईपॉड है और ये थोड़ा सा ना फ़ोन के लिए ही है मतलब मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि अगर आपका आईफोन है तो आप इस वाले ट्राईपॉड पे लगाओ बिकॉज because... गिर सकता है बट इस वाले ट्राईपॉड का जो स्टैंड है जो इसका फोन होल्डर है इट इज़ अमेजिंग इतनी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी आठ सौ रुपये में आई हैव सीन एंड आई हैव यूज ट्राईपॉड जो पंद्रह सौ रुपये दो हज़ार रुपये वाले भी थे बिकॉज मेरा भाई फोटोग्राफर है तो वो दिखाता रहता था बट दिस ट्राईपॉड इज़ लाइक सुप्रीम क्वालिटी का ट्राईपॉड और इतने अफोर्डेबल प्राइसिस में आपको मिल रहा है सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सो यू गाइज कैन चेक दैट आउट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू बाई दिस ट्राईपॉड चाहे आपको सेल्फ पोर्ट्रेट्स क्लिक करने हो या फिर आपको यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनानी हो दिस ट्राईपॉड विल बी द बेस्ट एंड दिस ट्राईपॉड में तीन लेवल्स आपको मिलते हैं मेरी हाइट फाइव एट है एंड ये ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच जाता है इट इज लाइक सुपर डुपर लॉन्ग इतना लंबा ये हो जाता है एंड अगर आप फैशन स्टाइलिंग और इस सब की वीडियोस बनाते हैं तो ये वाला ट्राईपॉड बहुत ही अच्छा रहेगा बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है एंड आपकी हाइट तक लाइक like, पूरा आपको कवर कर लेगा सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू बाइंग दिस सो ट्राईपॉड की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो मैं अपना रिंग लाइट का स्टैंड पहले दिखा देती हूँ ये नाइन फीट का रिंग लाइट का स्टैंड है कुछ इस तरह से दिखता है आई इंसर्ट अ क्लिप ऑफ हाउ इट लुक्स इट इज़ वेरी हैवी लाइक बहुत ही ज़्यादा हैवी मतलब एक डेढ़ किलो का है ये और मेरी उठाते उठाते कसरत हो जाती है तो यह है डिजिटेक का नाइन फीट का रिंगलाइट स्टैंड एंड ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है लाइक पूरी छत ऊपर तक ये छू जाता है एंड तब भी और बढ़ सकता है तो इट्स वेरी हैवी ड्यूटी क्योंकि रिंगलाइट बहुत ज़्यादा यू नो गिरेगी तो खराब हो जाएगी तो ऑब्वियसली यू डोंट वॉन्ट कि आप कहीं भी अपना रिंग लाइट टिका दो इसलिए ये वाले ट्राईपर्ड्स बेस्ट रहते हैं ये कंपैटिबल होते हैं स्टूडियो लाइट्स के साथ फ्लैश यूनिट्स के साथ रिंग लाइट के साथ एलईडी वीडियो लाइट्स के साथ एलईडी पैनल्स रिफ्लेक्टर्स अम्ब्रेलाज लाइट लैम्प और पता नहीं क्या क्या और ये जो मैंने आपको ट्राईपर्ड दिखाया था एमेजॉन बेसिक्स वाला ये एल्यूमिनियम का था और ये वाला है स्टील का तो ये बहुत ही ज्यादा स्टर्डी है बहुत ही ज्यादा एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी रिंग लाइट तो मैंने अपने अमेजोन हॉल में ऑलरेडी उसका पूरा होलिया दिखा दिया था कि वो कैसे दिखती है बट नाउ लेट्स सी के मैं अपनी वीडियोस एक्चुअली शूट कैसे करती कर हूँ तो ये है हमारे डिजिटेक रिंग लाइट के पीछे का हिस्सा जिसमें आपको बहुत सारे बटन दे रखे होते हैं दोनों साइड आपको मिरर अटैच करने के लिए एक होल्डर मिल जाता है एंड अब मैंने सब्जेक्ट में रख रखा है प्लांट्स एंड वेला एकदम से प्लांट्स में जान आ गई भाई साहब पानी वानी डालने की तो आजकल जरूरत ही नहीं है सो so, लाइट के आगे हमें दो ऑप्शंस दे रखे होते हैं एक होता है टेम्परेचर का जिसे मैं अभी येलो से ब्लू पे ले जा रही हूं एंड वापस से मैं येलो पे ला रही हूँ और दूसरा होता है ब्राइटनेस का जो कि होता है फ्रॉम लो टू हाई ऑल राइट तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ आर ऑडियो तो अगर ऑडियो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो आप बहुत अच्छा कॉन्टेंट डाल रहे हो बट जब तक ऑडियो बहुत बेकार आ रही होगी पीछे से बैकग्राउंड नॉइजेज आ रही होंगी तो आपकी वीडियो कोई भी नहीं देखेगा लाइक दिस इज़ द हार्श रियालिटी सो आपको ऑडियो पे भी उतना ही फोकस करना पड़ता है जितना कि आप अपना वीडियो कॉन्टेंट अच्छा बना रहे हो सो फॉर दैट आई यूज़ बोया का बी वाई एम वन माइक जो कि बहुत ही अच्छा है एंड इसने गेम चेंज करके रख रखा है मेरे यूट्यूब वीडियोज़ का सो so, अगर आप एक बिगिनर हो तो आई वुड सजेस्ट दिस माइक फॉर श्योर इससे पहले मैंने एक और माइक यूज़ करा था जब मैंने स्टार्ट ही करा था तो वो इससे बहुत ज़्यादा सस्ता था और उसकी क्वालिटी भी उससे बहुत ज़्यादा सस्ती थी सो आई वुड सजेस्ट this over any mic or beginners like me and now I will insert a clip जहाँ पर मैं अपना mic और ring light use नहीं कर रही हूँ and सिर्फ मेरे जो अभी room की lights हैं वो जल रही हैं so yep so guys ये है कुछ हाल अभी मैंने माइक निकाल दिया है फोन में से एंड सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही है जो कि इधर से रोशनी फेंक रही है इसलिए आपको इतनी सारी शेडोज दिख रही है और अभी आपको बहुत ज्यादा फटी हुई भी लग रही होगी ये वीडियो तो सोचो अगर मैं पूरी वीडियो इसी सेटअप में बनाऊंगी तो कौन ही मेरी वीडियो देखेगा इसीलिए हम रिंगलाइट अपनी स्विच ऑन कर लेते हैं सो एज़ यू गाइज कैन सी इट मेक्स अ हीूज डिफरेंस एंड अब मैं आपको रिंग लाइट के सेटअप दिखा देती हूँ इसमें ना आपको दो नोजल्स लाइक दो बटन्स मिलते हैं एक होता है टेम्परेचर का और एक होता है कि कितनी आपको ब्राइटनेस चाहिए तो पहले मैं ब्राइटनेस वाला फीचर आपको दिखाती हूँ अभी सबसे लो लाइट है जिसमें बंद हो जाता है ये एंड अब हम धीरे धीरे इसे ऑन करेंगे ये अभी थोड़ा येल्लो टेंट दे रहा है एंड इसके बाद हम इसे इंक्रीज करते रहेंगे एंड ये हो गई हमारी रिंग लाइट फुल नाओ मैं इसे फुल पे नहीं यूज़ करती हूँ आई यूज़ इट लाइक फिफ्टी फोर्टी परसेंट तक तो मैं इतना रखती हूँ अपना रिंग लाइट को एंड नाओ वी विल मूव ऑन टू द टेम्परेचर वाला बटन तो ये है बिल्कुल येल्लो ये येल्लो से लेकर ब्लू या वाइट तक जाता है पूरा टेम्परेचर तो अभी आपको बहुत ज़्यादा येलो टेंट दिख रहा होगा मेरा मेकअप बहुत ही प्रिटी लग रहा है इस लाइट में बट अब हम इसे ब्लू की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो पहले ये वाइट हो जाता है एंड देन इट मूव्स ऑन टू द ब्लूअर साइड तो बहुत ही ज़्यादा कूल इफेक्ट आ रहा है विच इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी तो मैं इसे भी बीच में ही यूज़ करती हूँ मतलब नॉट प्योरली वाइट बट थोड़ा सा ब्लू की तरफ एंड जब भी मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स अपने बना रही होती हूँ जिसमें मुझे थोड़ा ड्यूई सा लुक चाहिए होता है सनसेट या सनराइज़ वाला यू you नो know, एक सनकिस्ड इफेक्ट चाहिए होता है तब मैं उसे येल्लो की साइड पर रखती हूँ सो so, ये था पूरा कि मैं अपनी वीडियोज़ कैसे शूट करती हूँ एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक कर देना इस वीडियो को एंड प्लीज़ 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 प्लीज इस वीडियो को शेयर करना एंड सब्सक्राइब बटन तो आप जरूर दबा ही चुके होंगे अब तक और उसके बाद वाला यू नो नोटिफिकेशन बेल भी आप दबा ही चुके होंगे सो so वो तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो मेरे से तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कॉमेंट एंड ऑल्सो आज से मैं हर एक वीडियो के एंड में एक आउट दिया करूंगी जो भी मुझे कॉमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया हो तो आज का शार्ट आउट जाता है स्नेहा को जिसने इतना ज़्यादा प्यारा सा मेरे को कमेंट करा था एंड आई रियली अप्रिशिएट हर यू नो कमेंटिंग सच लॉन्ग पैराग्राफ्स जो कि मेरे को ऑलमोज लाइक like रुला देते हैं मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी होती है सो थैंक यू सो मच स्नेहा आई लव यू सो 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 मच कीप बीग अराउंड एंड या ऑन दैट नोट आई मीट यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेफ स्टे होम आई लव यू ऑल बाय